की तरफ से वेलकम करती हूँ ऑनरेबल ट्राइबल मिनिस्ट्री का, जिन्होंने यहाँ आके हमारी बातें सुनी, पॉइंट सुनी। तो मैं इन्होंने यहाँ पर बताया कि हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो रिकमर साहब प्रोफेसर एम के बगौर साहब ने बताया कि हुबल वतनी का जज्बा अगर किसी में देखना है तो वो हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी में दिखा जाए। तो इस टाइम पर मेरी जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं यूथ की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी है, जिन पर मैं अटेंशन डालने करूंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका प्रॉपर सर्वे किया जाए। हमारी कमेटी का जब भी सर्वे हुआ, हमारे लोग पहाड़ों में रहते हैं, उन पहाड़ों पर जहाँ एक कॉमन बंदे का जाना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो जब उनका सर्वे किया, हमारे बहुत सारे नोमैडिक लोगों का पता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं आज तक बना हुआ। उन लोगों का सर्वे विंटर सीजन में किया जाए, उस सीजन में जब वो प्लान एरिया में आते हैं। उसके बाद हमारे जो गुजर बकरवाल तक है, सबसे ज्यादा उसमें जो कोई आता है वो नोमैडिक आते हैं। तो नोमैडिक लोगों के ना घर है, न जगह है, न ही कोई रिकॉर्ड था उनका, जिसकी वजह से कुछ के बाद एस टी सर्टिफिकेट जैसी जो सहूलियत गवर्नमेंट ने दी है वो तक नहीं है, ना ही उन्हें पता कि हमें उस चीज से किस तरीके से बेनिफिट लेना है। उन्हें जमीन से अलाट की जाए, घर अलाट किए जाए, वो झुग्गी झोंपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। आज की 21st सेंचुरी में भी जब लोग अलशान बंगलों में रह रहे हैं, तो उन चीजों पर फोकस किया जाए कि उन्हें किस तरीके से जमीन देकर रिकॉर्ड देकर एस टी के बेनिफिट देने। जो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट हमारा यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जो फैसिलिटीज दी है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमारे नोमैड्स लोग जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सीजनल वाइज, उन लोगों के बच्चों की एजुकेशन टोटली डिस्टर्ब है, उन लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, उन्हें अच्छी स्कूलिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। मोबाइल स्कूल गवर्नमेंट ने दिए, मैं इस चीज का थैंक्स करती हूँ, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। उन्हें खूब एजुकेशन दी जा रही है जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, इंडिया के बाकी पार्ट में भी और जम्मू कश्मीर के भी बाकी पार्ट में और बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी। उन्हें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया जाए जिसकी वजह से वो हमारे सोसाइटी के टॉप क्लास स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। सीजनल टीचर्स का एक बहुत बड़ा इश्यूज है कि वो कह रहे हैं, आज मेरी बात हुई उनसे यहाँ बाहर मीटिंग के लिए, उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर सैलरी भी नहीं मिलती है और जो फंडिंग होती है वो भी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि उन्हें फंडिंग दी जाए, सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिससे वो हमारे बच्चों को डेवलप कर सके। वो एक चाइनीज की कहावत है, इफ यू वांट टू सक्सीड फॉर 1 ईयर ग्रो क्रॉप, इफ यू वांट टू सक्सीड फॉर 10 ईयर ग्रो ट्रीज, एंड इफ यू वांट टू सक्सीड फॉर 100 ईयर ग्रो लीडर्स। मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो नोमैडिक लोग हैं उनके बच्चों को उस टाइप का एजुकेशन दिया जाए जो इंडिया के बाकी लोग ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर की भी, ताकि वो भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके। इस कौम ने हमेशा हुबल वतनी का जज्बा इन्होंने बताया, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने पेश किया। हमारे लोग मैक्सिमम जंगल में रह रहे हैं, जंगल की हिफाजत कौन कर रहा है, यही हमारे नोमैडिक लोग कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का जो फोकस इस चीज पर होना चाहिए, जो स्कीम गवर्नमेंट ट्राइबल्स को दे रही है क्या वो ट्राइबल्स को मिल रही है या नहीं, उस चीज पर मैं फोकस होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी स्कीमें हमें नहीं प्रोवाइड कर रही है ग्राउंड लेवल पर। और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ इलाइट क्लास के लोग शेड्यूल ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड मेरे हिसाब से लग रही है, क्योंकि उन वो जो शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरिया थे उन क्राइटेरिया में वो नहीं आते। अगर आते हैं, गवर्नमेंट ने अगर शेड्यूल ट्राइब देती है तो हमें वो क्राइटेरिया बताएगी जिनके बेसिस पर नए शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाएगा। और जो इलाइट क्लास के लोग शेड्यूल ट्राइब ऐड कर रहे हैं उनमें राजपूत आते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम्स भी, और उसके बाद ब्राह्मण्स आते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया, खान्स आते हैं, मिर्जा आते हैं। अगर गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर के खान, राजपूत, गुप्ता, वर्मा को देती है और सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि ऑल इंडिया के शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग आते हैं दुनिया में उन सब पर ये इफेक्ट करेगी। और इस यूटी में हम 10% रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं। जब ये इलाइट क्लास के लोग सेंटर के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं अभी 12th क्लास के स्टूडेंट हूँ तो नीट का एग्जाम है या PVBY के एग्जाम्स होंगे, कुछ और रिसर्च के एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम सेंट्रल लेवल पर होते हैं, वहाँ पर सेंट्रल लेवल के बच्चे कम्पीट करते हैं। क्या वो सेंट्रल लेवल
राइट्स के जो बच्चे हैं उनके इनकी राइट क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।